मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं। दलीलें शुरू होते ही उन्हें जमानत मिल गई। उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मामला ईडी की याचिका से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। राउत एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार यानी 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा। दरअसल दिल्ली सीएम ने व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट मांगी थी। केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुके हैं। केजरीवाल एक बार फिर एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई। कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज सीबीआई राकेश सायाल की सिंगल बेंच में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। वहीं केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। ईडी ने कोर्ट में शिकायत करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया। दिल्ली सीएम जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ईडी ने राउत एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजी जा चुकी है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। सीएम केजरीवाल के बार बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उसके बाद भी पेश नहीं हुए तो धारा 45 के तहत गैर जमानती वारंटी जारी कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जानकार बताते हैं कि पेश नहीं हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। पीएमएलए में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे भी पेश नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। वहीं केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं और उसके एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तारी करने का निर्देश दे सकते हैं। दिल्ली को राउत एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 मार्च को समन भेजा। ईडी ने बुधवार यानी 6 मार्च को कोई समन नजरअंदाज करने के आरोप में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की थी। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। देखिए, कोर्ट ने आज समन किया था सीएम साहब को, और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपियर हूंगा, उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपियर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई और उसके बाद सीएम साहब क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपियर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।